28 जून को आसनसोल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। आसनसोल नगर निगम के 69 नंबर वार्ड के बीजेपी पार्षद सुशांत मंडल बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। मंत्री मलय घटक ने बीजेपी छोड़कर आए पार्षद सुशांत मंडल और उनके 200 समर्थकों को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया। इस तरह से आसनसोल नगर निगम के तृणमूल पार्षदों की संख्या 91 से बढ़कर 94 हो गई है। आगामी 28 जून को आसनसोल के पोलो ग्राउंड में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी सभा करने आ रही है। उनकी सभा से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। दरअसल आसनसोल नगर निगम के 69 नंबर वार्ड के बीजेपी पार्षद सुशांत मंडल बीजेपी छोड़कर अपने लगभग 200 समर्थकों के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। रविवार को राज्य के कानून एवं पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने बीजेपी पार्षद सुशांत मंडल को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कराया। मंत्री ने बीजेपी छोड़कर आए पार्षद सुशांत मंडल के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा पकड़ाया। इस मौके पर नगर निगम के MIC गुरुदास चैटर्जी और तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष उत्पल सिन्हा समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने कहा कि आसनसोल नगर निगम के चुनाव में 106 में से 91 वार्डो में तृणमूल कांग्रेस को जीत मिली थी और अब कांग्रेस बीजेपी और निर्दलीय 3 पार्षदों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से यह संख्या बढ़कर 94 हो गई है। 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन और 67 नंबर वार्ड के निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब 65 नंबर वार्ड के निर्दलीय पार्षद नदीम अख्तर सबिता ने कुछ पार्षद भी जल्द तृणमूल कांग्रेस का दामन थामेंगे। 59 नंबर वार्ड के कांग्रेस पार्षद जाकिर हुसैन और 67 नंबर वार्ड के निर्दलीय पार्षद टुम्पा चौधरी पहले ही तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुकी है और अब 65 नंबर वार्ड के निर्दलीय पार्षद नदीम अख्तर सबिता समेत अन्य पार्षद भी जल्द तृणमूल कांग्रेस का दामन थामेंगे। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भोट हमारा कैक मास आगे पेरिए आसनसोल कॉर्पोरेशन 106 म्युनिसिपल वार्ड आ তার মধ্যে 91টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে দুজন কাউন্সিলর, একজন 59 ওয়ার্ডের আমাদের জাকির আর আরেকটা বড় 67 এর টুম্পা এই দুজন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিল এবং তার ফলে 91 থেকে বেড়ে আমাদের 93 জন কাউন্সিলর 106 মধ্যে হয়েছিল। ইতিমধ্যেই আরও কিছু কাউন্সিলর যোগদান করবেন বলে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করছিলাম, যেমন বাবলু আমাদের ওর ওয়ার্ড নাম্বার হচ্ছে আমাদের 65। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কাজকর্ম সে শুরু করেছে, দেওয়াল লেখার থেকে শুরু করে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন বা 21 জুলাইয়ের बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर पार्षद सुशांत मंडल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुप्रेरणा से तृणमूल में शामिल हुए हैं और राज्य में जो विकास की धारा बह रही है उसे प्रभावित होकर यह निर्णय लिया है। वे अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं। আমি বিজেপি ছেড়ে এলাম, কারণ যে সেরকম আমার পার্টিগত সাথে কিছু ছিল না। আমি দেখলাম গত 25 বছর থেকে আমাদের 69-এ কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়নি। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ক্যান্ডিডেট ছিল, আমি নাম বলবো না এখানে, সেও কিছু 25 বছর থেকে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্ব অনুমতিতে একটা আশীর্বাদ নিয়ে আমি 69-কে নতুন কিছু ডেভেলপমেন্ট করতে চাই। এখানে আমাদের মন্ত্রী সাহেব আছে, ওর কাছেও আমি আশীর্বাদ আর অনুমতি নিয়ে একটা ভালো 69-কে একটা কিছু ভালো জিনিস নিয়ে যেতে পারি, যেটা 25 বছর থেকে করতে পারেনি সেটা আমি করে দিতে চাই। गौरतलब है कि इस बार के आसनसोल नगर निगम के चुनाव में 106 वार्डो में से तृणमूल कांग्रेस ने 91 वार्डो में जीत दर्ज की थी। नगर निगम के 17 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी ललन मेहरा, 18 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी अमित तुलसियान, 27 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी चैताली तिवारी, 29 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी गौरव गुप्ता ने जीत हासिल की थी, जबकि 69 नंबर वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी सुशांत मंडल, 103 नंबर वार्ड से तारकनाथ धीबर और 105 नंबर वार्ड से इंद्रानी आचार्य ने जीत का परचम लहराया था। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा
असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बने विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार की कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स, 100% शुद्ध, 100% स्वाद।